अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं मुबशर और आप लोग देख रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक अनबॉक्सिंग और एक प्रोडक्ट रिव्यू। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि मैं एक OBD2 स्कैनर मंगवाऊं या ख़रीदूं जाके, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और प्लाजा जाना पड़ता स्कैनर ख़रीदने। तो मैंने OBD2 स्कैनर जो है वो ऑनलाइन मंगवा लिया और आज वो मेरे पास आया है। मैं उसका रिव्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ और बताता हूँ कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ये है ELM327 OBD2 स्कैनर जो ब्लूटूथ के साथ है। हाँ, इसको खोलते हैं। आज ही आया है मेरे पास। इसके साथ ये एक CD भी है। CD का ज़माना चला गया, पता नहीं सीढ़ियाँ अभी क्या करनी है हमने, लेकिन चले फिर भी देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको मैं गाड़ी में ले जाके आप लोगों को चेक करवाता हूँ और इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 16 पिन जो कनेक्टर होता है गाड़ी में, जिसमें यूजुअली स्कैनर्स लगाते हैं मैकेनिक्स वगैरह, ये उसमें लग जाता है। और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में एप्लीकेशन एक डाउनलोड करनी पड़ती है टॉर्क के नाम से। और भी एप्लीकेशन आती हैं लेकिन टॉर्क जो है ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं टॉर्क जो है वो इंस्टॉल करूँगा। मेरी गाड़ी में तो एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है, मुझे यहीं पे मैं कर लूँगा, वरना आप अपने फ़ोन्स में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स दिखा दूँ। ये इसके स्कैनर का कनेक्टर है, ये वाइट वाला। यहाँ पे ये स्कैनर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इजीली। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसको जब आपने प्लग इन करना है तो गाड़ी मेक श्योर कि आपकी गाड़ी ऑफ हो, स्टार्ट नहीं हो। प्लग इन करने के बाद आपने गाड़ी का स्विच ऑन करना है। मेरे गाड़ी वाले पैनल को कुछ ख़ास मसला लग रहा था, तो वहाँ पे तो वो चला नहीं, तो मुझे अपना टैबलेट लाना पड़ा है। वहाँ पे कनेक्ट हुआ ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लूटूथ में जाके हमने इसको पेयर कर लेना है। ऐसे ये डिवाइस पेयर हो गई है। पेयर करने के बाद, कनेक्शन के बाद, आपने टॉर्क वाली आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये डाउनलोड करेंगे। ये मैंने इसको डाउनलोड करके कुछ सेटिंग्स मैंने कर ली थी। अभी इस वक्त मेरी गाड़ी से कनेक्टेड है ये। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करूँगा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे रेव्स आ रहे हैं, RPM आ रहे हैं, यहाँ पे लोड आ रहा है, फिर ये वैक्यूम है, फिर ये इनटेक टेम्परेचर है। इसमें इसी तरह आप ऐसे होल्ड करके डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं जो आपको डिस्प्ले ऐड करना है। फॉर इंस्टेंस फ्यूल प्रेशर मुझे देखना है, मैंने फ्यूल प्रेशर नया डेटा ले आया। अभी यहाँ पे नो डेटा शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास पेड एप्लीकेशन नहीं है। चलिए मैं कुछ और दिखा देता हूँ आपको। मास एयर फ्लो रेट, मैप सेंसर भी कहते हैं जिसको, ये देखिए मास एयर फ्लो भी दिखा रहा है। सेटिंग में जाके आपने एक और चीज़ करनी है, OBD2 अडेप्टर सेटिंग्स में जाना है, चूज ब्लूटूथ डिवाइस, मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है ताकि हमेशा वो इसी तरह सिलेक्टेड रहे। बाकी सेटिंग्स इसमें और हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप सेटिंग में जाके गाड़ी के फॉल्ट कोड्स देख सकते हैं। मैंने पहले चेक कर लिया था, फॉल्ट कोड्स नहीं थे, दोबारा कर लेते हैं। नो फॉल्ट कोड्स स्टोर्ड इन ECU। इसने बहुत गलत काम किया, इसको इस पर चलना चाहिए था लेकिन इस पर नहीं चला है। कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग।
ये थी वो डिवाइस, मेरी गाड़ी ने मुझे बड़ा तंग किया है। उस पैनल में पता नहीं क्या मसला था, वो मैं सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब तक मैं वो सॉर्ट आउट नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी किया करें। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।